PG welcomes you in PG Point. So today there is a very big news for you all. देखिए पहले पूरी जानकारी समझेंगे, उसके बाद में एक हम आपको बताएंगे कि इस तारीख से आपके एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं, और फर्स्ट ईयर जो आपके अभी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपका एग्जाम हुआ है तो उसका रिजल्ट कब आ रहा है ये एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि 15 जून से होंगी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। क्या मैम 15 जून से ही हमारी बीएड के भी होने लगेंगी, क्या होगा? सो ये जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। सबसे पहले देखिए CSEMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत लागू पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 जून से शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नई शिक्षा नीति के तहत BA, BSc व BCom के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन सेमेस्टर परीक्षा को वार्षिक परीक्षा के साथ ही करवाएगा, और अभी मोड ऑफ द एग्जाम भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है। देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बच्चे इस दिमाग लगा रहे हैं ना कि यार पहले ईयरली वालों की होगी फिर ही तो सेमेस्टर वालों की होगी, ऐसा नहीं है। इस बार जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो सेमेस्टर परीक्षा को वार्षिक परीक्षा के साथ ही करवाएगा, है ना, जिससे कि आपका जो सेकंड सेशन इसके बाद 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका लेट ना हो। तो विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएँ 12 मई से शुरू हो रही हैं, है ना, कब वार्षिक परीक्षाएं हैं जो वो 12 मई से आपकी शुरू हो रही हैं। ये परीक्षा 2 जुलाई तक चलेंगी, अब 12 मई से 2 जुलाई तक चलेंगी, यानी कि इन्हीं बीच में सबके एग्जाम होने, सभी परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 जून से सम सेमेस्टर परीक्षा करवाने की तैयारी भी कर ली है। इसको लेकर विश्वविद्यालय 15 जून से 3 पालियों में परीक्षा कराएगा, और दूसरी पाली 12:30 से 2 बजे के बीच। अब देखो 12:30 से 2 बजे का मतलब कितने घंटे हुए, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब MCQs पेपर। और इन्होंने आगे क्लियर भी किया, इसके बीच सम सेमेस्टर की परीक्षा होगी, यह परीक्षा बहुविकल्पीय माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। देख लो बेटा एक बार और, अभी हमने आपको एक दिन हिंदुस्तान दिखाया, फिर दैनिक जागरण दिखाया, फिर हम आज आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहे हैं, दैनिक जागरण की कटिंग है ये, और इसमें ये लिखा है कि ये पेपर कैसे होंगी, तो बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी। तो साफ साफ जब ये सेमेस्टर वालों की परीक्षाएं बहुविकल्पी माध्यम से करवाने का पूरा विचार है, तो जो हमारे बीएड के एस्पिरेंट्स हैं वो भी ये बेटा समझ लो कि अभी तक जितनी जानकारियां मिल पा रही हैं, हम जिनसे चर्चा कर पा रहे हैं, जितनी भी आप न्यूज़पेपर कटिंग्स देख रहे हैं उनमें तो MCQs की ही बात की जा रही है। सो आपको जो हम स्टडी करवा रहे हैं, शाम को 4 बजे EVS की क्लास चल रही पर्यावरणीय शिक्षा की, आना अनिवार्य है। PDF के लिए भी हम आपको बता दें कि उसकी PDF अभी डिस्कस करना है, रुक जाइएगा, सेमेस्टर का रिजल्ट कब आ रहा है आपका। तो पहले हम आपको बता दें कि उसकी PDF कहाँ मिलेगी। सबसे पहले आपको PG Point ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर के, उसके बाद में आपको कोर्सेज में जाना है, फ्री कोर्सेज यहाँ पर सर जब आप सेलेक्ट करोगे फ्री कोर्सेज के लिए, तो फ्री कोर्सेज में आपको फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा CSEMU सेकेंड सेमेस्टर पर्यावरणीय शिक्षा की प्लेलिस्ट, वहाँ पर होगा। और जब आप ऑन अ नोट पे टैप करोगे तो PDF खुल के आ जाएगी, एक ऐसे वीडियो का साइन बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो चलने लगेगी आपकी, है ना, और कुछ इस प्रकार से। ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पर्यावरणीय शिक्षा की पूरी प्लेलिस्ट है, इस तरीके से दी हुई है। पहले आपको पूरा डिटेल्ड सिलेबस समझाया गया, जब टाइप पर ई नोट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर PDF खुल जाएगी, वीडियो पे तो वीडियो चलने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से आपको PG Point ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पेपर का मोड यहाँ से क्लियर है कि भाई MCQs पैटर्न पे होना है, और बहुत बार ज़्यादा न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आप ये देख पा रहे हैं, और पिछली बार भी ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं डिक्लेयर किया था, लेकिन BA, BSc, BCom वालों की भी परीक्षाएं कैसे ली थी, ऑब्जेक्टिव ली थी, तो बीएड वालों की भी ऑब्जेक्टिव थी। वैसे ही जब इस बार भी सेकंड सेमेस्टर BA, BSc, BCom की ऑब्जेक्टिव हो रही है, उन्होंने साफ साफ सेम सेमेस्टर बोल दिया है, तो आप लोगों के भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि ऑब्जेक्टिव ही होंगी, है ना। और अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा कि सब्जेक्टिव होंगी परीक्षाएं, या मैंने कहीं आर्टिकल में भी नहीं देखा कि बीएड की सब्जेक्टिव होंगी, है ना। तो इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि सब्जेक्टिव होंगी, अभी तक जितनी जानकारियां मिल रही हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के माध्यम से उसके हिसाब से तो MCQs ही पैटर्न है। और बाकी ये याद रखिएगा कि अगर पैटर्न में कोई बदलाव होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताने की प्रयास पूरा किया जाएगा। तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ज़रा फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ये मान के चलिए आप एट द एंड ऑफ द मई तक आ ही जाना है, ठीक है। तो क्या मैम अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो हम फेल हुए तो क्या सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल आप दे पाएंगे सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं, और फिर जो आपका बैक पेपर होगा वो हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एग्जाम फॉर्म जब सेकंड सेमेस्टर के लिए भरे जाएंगे ना उससे पहले ही आपका
जो आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसका आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगी। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे हो रही है, पर्यावरणीय शिक्षा की तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास बहुत जल्द शुरू करेंगे, और 30 मई तक, ये हमारा आपसे वादा है कि 30 मई तक हम आपका पूरा कोर्स कम्प्लीट करा देंगे। ठीक है, और MCQs की प्रैक्टिस अब हम आपको सैटरडे संडे भी शुरू करवा देंगे, जिससे कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, डिटेल क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, और सैटरडे संडे हम आपको MCQs पे भी थोड़ा सा फोकस कर देंगे। और 9 तारीख से 10 तारीख से आपकी ये भी क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, पेपर्स भी जो सबको देना है, सबके लिए निभा रहे हैं। बाकी पेडागॉजी सब्जेक्ट्स आप खुद से कवर अप करते रहिए, है ना। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। CSGMU BEd की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और UP BEd की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ये चैनल है आपका, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो PG Point सर्च करके, या लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहां से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।